Good morning, students. I am your science teacher from Premchand Memorial Public School. Today we will study about the Keeping the Earth Clean of Chapter 8. Let's start the chapter. Here is your chapter, Keeping the Earth Clean, Chapter 6. All the living and non-living things in our surroundings make up our environment. Our environment also includes the weather of the place we live in. देखो हमारे सराउंडिंग्स में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलके ही इन्वायरमेंट को बनाते हैं. आर इन्वायरमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन. अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है? वेदर, जहाँ हम रहते हैं. सपोज़ आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में गर्मी होती है, और पहाड़ों पर रहते हो तो पहाड़ों पर ठंडक रहती है. ऐसे इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है हम उसके बारे में पढ़ते हैं. आर इन्वायरमेंट गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड. द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. द एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक, द मटेरियल्स वी यूज टू मेक आर हाउसेस एंड द क्लोथ्स वी वियर ऑल कम फ्रॉम आर इन्वायरमेंट. अब हमारे इन्वायरमेंट से हमें बहुत कुछ मिलता है जो हमें चाहिए. जैसे कि खाना मिलता है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप नॉन वेज खाते हो और वेजिटेरियन खाना खाते हो, ठीक है. द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, एनवायरनमेंट से ही होता है ये. पानी लेते हैं, पानी पीते हैं हम, तो वो कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट से आता है. द मटेरियल्स वी यूज टू मेक आर हाउसेज, हम अपने घर बनाते हैं तो वो मटेरियल कहाँ से आता है? वो भी एनवायरनमेंट से आता है. क्लोथ्स हम पहनते हैं वो भी एनवायरनमेंट से आता है. तो जितना हमें चाहिए होता है एनवायरनमेंट से सब कुछ हमें मिलता है, ठीक है. हाउ हैव वी डैमेज्ड आर एनवायरनमेंट, अब हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं. We human beings have done our best to make our life comfortable. While doing so, we are making many changes in the environment. For example, as the number of people is increasing day by day, we are making more and more houses, roads and factories. To get more land for these, we are cutting down forests. We are also cutting down trees to make different parts of buildings, furniture and paper. देखो अब हम अपनी लाइफ को सब बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, जितनी एनवायरनमेंट पे बिगाड़ना होता है वो हम बिगाड़ते हैं. कैसे? अगर हमें अपना कैसे हो रहा है कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, लोगों को जगह चाहिए तो वो घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फॉरेस्ट और ट्री सब कट जाते हैं. वहाँ पर जगह खाली होती है, उसी जगह पे फैक्ट्रीज बनती हैं, हाउसेस बनते हैं बड़े बड़े, और जगह जगह कुछ ना कुछ बनता रहता है, ठीक है. When we cut down forests, many animals lose the place they live in. As a result, many of them die. Forests keep the earth cool and also bring rain. So cutting them down causes changes in the weather. Roots of trees hold the soil together. So cutting down forest also leads to soil erosion. देखो अब हम forest काटते हैं, ठीक है, जितने भी animals होते हैं वो अपना घर, उनको घर नहीं मिलता फिर, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनका घर उनसे छिन जाता है. इसी रिजल्ट में क्या होता है, वो एनिमल्स मर जाते हैं. फॉरेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट को, अर्थ को क्लीन रखता है, कूल रखता है, ठंडा रखता है. अब गर्मी क्यों पड़ती है इतनी, क्यों? क्योंकि हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होते, जंगल कटते जा रहे हैं, सारी चीज़ें कटती जा रही हैं इसी वजह से, और बारिश नहीं होती. मेन चीज़ें होती है, अगर हमारे आसपास या एनवायरनमेंट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे फॉरेस्ट होंगे ना, उतने ही उतनी अच्छी बारिश आएगी, मौसम अच्छा रहेगा, कम गर्मी पड़ेगी. सो कटिंग देम डाउन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, अगर हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वेदर पे इफेक्ट पड़ रहा है. वेदर जो है वो चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम. रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, अब ट्रीज़ की सॉइल क्या होती हैं कि जो सॉइल होती है उसको जोड़ के रखती हैं, लेकिन जब ट्रीज़ ही ख़त्म हो जाते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, ठीक है. तो इसीलिए जब तक हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कठोरपन, ठीक है.
Smoke and poisonous gases produced by vehicles and factories are also making the air around as impure. The waste from our homes and factories are thrown into rivers, lakes and on the land. All these harmful materials are getting added to our environment and making it more and more dirty. देखो, smoke, धुआँ होता है, poisonous gases निकलती हैं factories से, vehicles से, गाड़ियों से, आपको पता ही है धुआँ निकलता है. तो क्या होता है, इससे भी हमारी जो आसपास की हवा होती है ना, वो सारी ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है. जितने भी हमारे वेस्ट हैं और फैक्ट्रीज़ के वेस्ट हैं, होम्स के वेस्ट हैं, वो कहाँ जाते हैं, रिवर्स में, लेक्स में और लैंड में फैल जाते हैं. आपने सभी ने देखा होगा कि आसपास कूड़ा करकट पड़ा रहता है, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारा गंदा बनता है. All these harmful materials are getting added to our environment and making it more and more dirty. अब जितने भी harmful materials हैं, उसी की वजह से हमारा जो environment है बहुत गंदे से गंदा बनता जा रहा है, साफ नहीं हो रहा है, उल्टा और ज़्यादा गंदा होता जा रहा है. Addition of harmful substances to the environment is called pollution. अब environment में harmful substance का add होना, उसे बोलते हैं pollution. The harmful substances that cause pollution are called pollutants. जिन substances से pollution बनता है, pollution होता है, उनको हम बोलते हैं pollutants. Okay? Smoke from factories is an example of a pollutant. अब factory से जो धुआँ आता है, ठीक है, धुआँ आता है, उससे क्या होता है, हमारा environment गंदा होता है, तो वो हमारा pollutant का example है. एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मतलब हवा में जो पोल्यूशन होता है वो कैसे फैलता है. कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स गिव आउट फ्रॉम गैसेस इनटू द एयर. अब कार से, बसेस से, ट्रक से, इतने सारे व्हीकल से जो हार्मफुल गैसेज आती हैं वो एयर में चली जाती हैं. दिस हैपन्स व्हेन द पेट्रोल एंड डीजल दे रन ऑन बर्न्स. Factories and bursting crackers also give out harmful smoke. The harmful gases and smoke make the air unhealthy for breathing. देखो, cars, buses, trucks, जितने भी vehicles होते हैं वो harmful gases निकालते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी air harmful हो जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम petrol और diesel का इस्तेमाल करते हैं जब वो रन करते हैं, ठीक है, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, वो गर्म होते हैं, इंजन गर्म होते हैं, तो क्या होता है, जलना शुरू होता है और फिर उससे वो जहरीली गैसेस निकालता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में फैलती है, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है. फैक्ट्रीज एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स जलाने, पटाखे जलाने भी बहुत हार्मफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि उनसे धुआं निकलता है, केमिकल्स तो होते ही हैं उसमें, तो सभी कहते हैं कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग जलाते हैं. इसी वजह से, इन्हीं गैसेस, हार्मफुल गैसेस की वजह से, स्मोक, धुएँ की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गंदा होता जा रहा है, जिससे हम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हमारे अलग अलग तरीके की बीमारियाँ फैलती हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन. अब देखो, इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट फैलता है. स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस कैन कॉज अस्थमा एंड लंग कैंसर. अब देखो, स्मोक और हार्मफुल गैसेस से, यानी धुएं से और गैसेस से, हार्मफुल गैसेस से अस्थमा और कैंसर, लंग कैंसर का खतरा होता है, यानी बीमारी, इन ये दो बीमारियाँ इन सब चीज़ों से फैलती हैं. एयर पोल्यूशन कैन कॉज ब्लड एंड हार्ट डिजीज. अब जो एयर पोल्यूशन होता है ना, उससे ब्लड का कोई डिजीज़ हो जाता है, हार्ट के डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से. इट कैन ऑल्सो कॉज हेडेक्स एंड स्किन एंड आई इरीटेशन. देखो, इन्वायरमेंट में जब इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, मीन्स हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वो हार्मफुल हो जाता है, तो क्या होता है, हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है. हम रोज़ाना कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, आई इरिटेशन होती है. अब देखो, यहाँ पर साइंस फैक्ट है. ड्यूरिंग विंटर स्मोक प्रेजेंट इन द एयर गेट्स मिक्स्ड विथ फॉग टू फॉर्म स्मोग. स्मोग इज आल्सो अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन. अब तुमने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है कि बेटा, देखो आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में कि बहुत ज़्यादा स्मोग हो जाता है, धुंध जिसे कहते हैं, वो हो जाता है. तो वो कैसे होता है कि एयर में जितनी प्रेजेंट होती है स्मोक, स्मोक यानी धुआं, और स्मोग मतलब धुंध,
ठीक है, ये फैल जब स्मोग हमारा होता है एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट, जब स्मोग और स्मोक मिलते हैं तो हमारा एयर पोल्यूशन बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर में पहले से ही हमारा हार्मफुल गैसेस अवेलेबल हैं। फिर जब धुंध आती है ड्यू टू विंटर्स, तो ये दोनों मिक्स होते हैं तो वो एयर पोल्यूशन का एक काइंड बन जाता है। ओके, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। अब जो एयर पोल्यूशन का कोज मतलब एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है, ये देखो यहाँ पर एक प्लांट बना हुआ है, फैक्ट्रीज का और व्हीकल्स का धुआं, ये देखो धुआं निकल रहा है ना यहाँ से, ये सारा हार्मफुल है। ओके, वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, यानी पानी का पोल्यूशन, प्रदूषण जिसे कहते हैं, है ना। डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज गोज इन टू द ड्रेन्स। दिस वाटर कंटेन्स सोप डिटर्जेंट एंड केमिकल्स। द ड्रेन्स रिलीज दिस डर्टी वाटर इन टू वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स और सीज एंड पोल्यूट दैम। फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर देयर क्रॉप्स। वैन इट rains, a large amount of these fertilizers and pesticides flows into nearby water bodies and pollute the water. अब देखो water pollution कैसे फैलता है, हमारे घरों से गंदा पानी आता है, कैसे, हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, सब चीज़ करते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज में जो भी काम होता है उससे उसका गंदा पानी आता है, वो आता है तो वो कहाँ जाता है, सारी जितनी भी हमारी लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, सीज होते हैं, इन सब में ये गंदा पानी चला जाता है। और कैसे जाता है, फिर ये रिवर्स, लेक्स, सीज जो हैं इनको गंदा करता है, पल्यूट करता है। और फार्मर, सबसे मेन बात, फार्मर जो होते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए। फिर जब वो इरिगेशन करते हैं, मींस पानी देते हैं अपनी फसलों को, तो उनका जो गंदा पानी है वो लेक्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, सीज के थ्रू इन वाटर में फैल जाता है, जिससे क्या होता है, पानी जो है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो पानी है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान ही है सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। एयर पोल्यूशन भी इंसान फैलाते हैं, वाटर पोल्यूशन भी इंसान ही फैलाते हैं। घरों से पानी निकलता है, फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है, फार्मर्स केमिकल डालते हैं तो उनसे गंदा पानी निकलता है, जो कि रिवर्स, लेक्स, सीज में जाके फैल जाता है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब वाटर पोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट होंगे। मैनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर, दे कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड, डायरिया एंड डायसेंट्री। देखो हार्मफुल जर्म्स होते हैं हमारे पानी में, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, टाइफाइड, डायरिया, डायसेंट्री टाइप्स की, ठीक है। द हार्मफुल केमिकल्स इन द पोल्यूटेड वाटर आर टेकन इन द प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स। व्हेन वी ईट दीज एनिमल्स और प्लांट्स, द केमिकल्स एंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक। देखो अब जो हमारा पोल्यूटेड वाटर है वो कहाँ जाता है, पेड़ों में भी जाता है, और जो पानी में जानवर रहते हैं, यानी पानी में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी पीते हैं, है ना, उनको भी तो प्यास लगती है, वो भी पीते हैं, तो वो मछलियाँ हम खाते हैं उनके थ्रू, प्लांट्स खाते हैं हम उनके थ्रू, हमें हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स चले गए और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। मेन कारण यही है कि हम उन प्लांट्स को खाते हैं जिनके ऊपर गंदा पानी छिड़का गया है, उन एनिमल्स को खाते हैं जो गंदा पानी पीते हैं, उसी वजह से हम खुद बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर वी मे फॉल सिक। अब हम गंदा पानी पी लेते हैं तो हम भी बीमार पड़ते हैं, ऑब्वियसली अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो कितने बीमार हो जाएंगे हम, है ना। लैंड पोल्यूशन, अभी हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अब पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन, ठीक है। ये आपके पोल्यूशन के टाइप्स हैं कि किस किन किन टाइप्स के आप पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन। ओके, लैंड पोल्यूशन मीन्स जो ज़मीन पे पोल्यूशन फैलता है। When people throw waste from homes and factories on land, it causes land pollution. Too much use of pesticides and fertilizers also pollutes the land. देखो अब जितने भी लोग हैं हमारे,
मतलब हम लोग हैं, घरों से, फैक्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलता है, गंदगी निकलती है, वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं कि चलो भाई कूड़ा फेंकने जाते हैं, और फेंक दिया रोड साइड पे, फेंक दिया या कहीं ना कहीं फेंक दिया। तो इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। अब जितने भी अब फैक्ट्रीज में पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, इससे भी आपका पोल्यूशन बढ़ता है, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल हैज़ टिनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड बैक्टीरिया। अब सॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। दे कैन हेल्प सम टाइप्स ऑफ वेस्ट टू रोट एंड मिक्स विद द सॉइल। अब ये क्या करते हैं, कुछ टाइप के वेस्ट को मिक्स और रोट करने के लिए हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस टाइप के वेस्ट को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सपोज फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स एंड थिंग्स मेड ऑफ पेपर एंड वुड आर एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस से मतलब खुद ही वेस्ट खराब होता है, जैसे हमने सब्जियों के छिलके छीले, ठीक है, और वो हमने कहीं फेंक दिए, मिट्टी जहाँ पर हुई भी है ना, ज़मीन पे फेंक दिया, गली में फेंक दिया, समझ लो कि आपने अपनी गली में फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया, वो पड़ा हुआ है काफ़ी दिन तक, कम से कम 2-3 हफ्तों तक वो पड़ा हुआ है, और वो सड़ गया, धीरे 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 वो सड़ता जाएगा, और जब सड़ जाएगा ना, उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो नीचे ज़मीन में चले जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे, और वो वहीं रहेंगे। मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो डीकम्पोज हो जाता है, और कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो डीकम्पोज नहीं होते हैं, उन वेस्ट को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स जो ख़त्म नहीं होते। कौन से नॉन, देखो वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल लिखे हुए हैं हमारे पास, वेजिटेबल पील्स, लीव्स एंड थिंग्स मेड ऑफ पेपर, यानी जितने भी वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, ये सारे इनके छिलके, पील्स मतलब होता है छिलके, फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, पत्तियाँ, और जितने भी पेपर से बना हुए चीज़ें हैं वो, ये सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल हैं, जो कि डीकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वेस्ट दैट कैन नॉट रोट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ऐसे वेस्ट जो कभी भी डीकम्पोज नहीं होते, मतलब ख़त्म नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक, सबसे बड़ा एग्जांपल, प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होती, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है। दिस वेस्ट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल। अब ऐसे वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होती। इट हार्म्स द सॉइल, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखो, जैसा मैंने ऊपर बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका प्लास्टिक आता है, क्यों प्लास्टिक, रबर, ग्लास ही क्यों? क्योंकि बेटा देखो, ये सारे जो वेस्ट है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, कभी भी मिक्स नहीं होंगे सॉइल के अंदर, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं, ठीक है, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट होंगे, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स गैदर अराउंड पाइल्स ऑफ डर्ट एंड ऑन लैंड एंड स्प्रेड जर्म्स एंड डिजीज। देखो, अब जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो गंदगी खाते हैं, जैसे कि मक्खी, मच्छर, ये सारे जैसे गाय के गोबर पे जाके बैठ गए, ठीक है, कूड़े पे, गार्बेज पे बैठ गए, तो उन्होंने क्या किया, बैठ गए और फिर वो हमारे खाने पे आ गए, खाने पे आ गए, और फिर उनके जम्स हमारे खाने के ऊपर आ गए, और वही खाना हमने खाया, तो उसकी थ्रू हमारे अंदर वो जम्स चले गए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर बीमारी आ जाएगी, मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे। ओके, केमिकल्स इन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू द यूजफुल बैक्टीरिया लिविंग इन सॉइल। अब देखो, जो हम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया जो लिविंग मतलब बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ रिड्यूस। इससे क्या होता है कि जो सॉइल की क्वालिटी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, तो सॉइल का जो क्वालिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आता है नॉइस पोल्यूशन।
नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण. नॉइज़ पोल्यूशन, अ साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट टू आर ईयर्स इज़ नोन एज नॉइस. जो हमारे कान में तकलीफ़ दे, कान में तकलीफ़ दे आवाज़, उसको बोलते हैं नॉइस. Noise is produced by music systems, loudspeakers, vehicles on the road and machine in factories. Noise also causes environmental pollution. देखो अब जितने भी noise कैसे फैलता है, कैसे बनता है, noise music system से बनता है. अब जैसे 15 अगस्त, अब त्यौहार आते हैं, 15 अगस्त आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, तो लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाते हैं, ठीक है, छत पे बजाते हैं, घर में बजाते हैं. इससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है. हमारे कान में, कानों में क्या होता है ना कि एक रेंज होती है, जिस उसी रेंज में हम वो सुनते हैं. अगर उसको ज़्यादा रेंज में हम सुनेंगे तो हमारे कान भी डैमेज हो सकते हैं. और नॉइज़ ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन. अब नॉइज़ जो है, आवाज़ जो है, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी फैलाता है, ठीक है. इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. अब नॉइज़ पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, यानी नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है. नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हेडेक्स, लॉस ऑफ स्लीप एंड हियरिंग. इट कैन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ मेमोरी. देखो नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, हेडेक होता है. अब आपने कभी नोटिस किया हो कि आप ज़्यादा देर तक कानों में लीड लगा के गाने सुन रहे हो लगातार 2-3 घंटे, फिर क्या हो रहा है कि आपके हेडेक होना है, यानी सर में दर्द शुरू हो जाता है. क्यों होता है, इसी वजह से होता है कि कानों को भी रेस्ट चाहिए होता है. ये नहीं कि नॉन स्टॉप तीन से चार घंटे आप म्यूज़िक सुन रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, इससे क्या होता है, हार्मफुल होता है ये कानों के लिए. फिर हमें नींद नहीं आती है, हियरिंग की, सुनने की प्रॉब्लम होती है इसी वजह से. इट कैन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ मेमोरी. इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी भी होती है, मीन्स मेमोरी चली जाती है. प्रिवेंटिंग पोल्यूशन. अब पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं, यानी पोल्यूशन हम कैसे कम फैला सकते हैं. देखो इफ़ वी कीप पोल्यूटिंग आर इन्वायरमेंट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव ऑन द अर्थ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ. सो वी हैव टू डू आर बेस्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन. अब देखो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है. क्यों, क्योंकि हम सालों से ही अर्थ पे रहते आ रहे हैं और अर्थ को गंदा करते आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं हम अगर हम ठान ले तो, है ना. हमारा बेस्ट देंगे तो हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. कैसे करेंगे, देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन. अब बहुत सारी वेज हैं, तरीके हैं जिससे हम एयर और वाटर एंड लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. कैसे, सबसे पहला पॉइंट है, वी शुड नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल्स, पेस्ट, पेंट्स एंड मेडिसिन इन टू ड्रेन्स इन द टॉयलेट एंड और एल्सवेयर. देखो अब जितने भी केमिकल्स, ऑयल, पेंट्स, मेडिसिन इन टू ड्रेन्स, हम जितने भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं, पेंट्स यूज़ करते हैं, उनको हम जगह जगह ना डालें, ठीक है, और ना ही हम टॉयलेट में डालें या कहीं और डालें, ओके. ये तरीका हो सकता है. सेकंड है, फार्मर शुड नॉट यूज टू मच ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. अब फार्मर्स को ना ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. क्यों, क्योंकि अगर ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो खतरे में हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी. वी मस्ट ट्रीट डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स बिफोर रिलीजिंग इट इन टू लेक्स, रिवर्स और सीज. अब जितना भी हमारे घरों से पानी आता है, फैक्ट्रीज से पानी आता है जो कि लेक्स और रिवर्स में जाता है, उनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं. कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे हम ख़त्म कर सकते हैं, है ना. चिमनीज इन फैक्ट्रीज मस्ट बी फिटेड विद द फिल्टर्स सो दैट हार्मफुल गैसेज आर रिमूव्ड बिफोर अदर गैसेज आर रिलीज इन टू द एयर. अब हमारी फैक्ट्रीज में चिमनी लगी होती हैं, ठीक है, उसमें फिल्टर लगाएं, जिससे क्या हो, फिल्टर लगाएं तो जितना भी गंदा धुआं है वो फिल्टर हो जाए और सही तरीके से जाए बाहर. इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में वो जो गंदा धुआं है, गंदे गैसेज हैं, वो नहीं होंगी, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी सही रहेगा. We should
वी शुड यूज़ सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, दिस कॉज लेस एयर पोल्यूशन। अब हमें सीएनजी गैसेस और एलपीजी गैसेस यूज़ करनी चाहिए फ्यूल के लिए, व्हीकल्स के लिए। व्हीकल्स में आपको पता ही है फ्यूल्स होता है इस्तेमाल, तो हमें इन टाइप्स की गैसेस यूज़ करनी चाहिए जिससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम फैलेगा। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें सबसे मेन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो करने चाहिए, उगाने चाहिए। व्हीकल शुड गो थ्रू रेगुलर पोल्यूशन चेक्स, अब व्हीकल जितने भी होते हैं उनका रेगुलर चेक होना चाहिए कि उनका जो पोल्यूशन का लेवल है वो कैसा है, ठीक है या नहीं। जिसका लेवल पोल्यूशन फैलाने का ज़्यादा है उसको बैन कर देना चाहिए, ठीक है। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड हॉर्न्स, अब जितने भी गाड़ियों में आपको पता ही है गाड़ी बाइक्स कितने कितने तेज़ हॉर्न होते हैं, है ना, हॉर्न होते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है, तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओन कार्स व्हेनेवर पॉसिबल, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, इससे क्या होगा पोल्यूशन कम फैलेगा और जहाँ पे भी हमें जाना है वो हम ईजिली चले जाएंगे अगर पॉसिबल है तो। वी मस्ट यूज़ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल डीजल एंड कोल, देखो हमें कुछ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए जैसे विंड एनर्जी सोलर एनर्जी, जितने भी पेट्रोल डीजल और कोल से हमारा एनवायरनमेंट में हार्मफुलनेस होता है, हार्मफुल पहुंचता है ना इन सब चीज़ों से, तो हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। नॉइजी मशीन्स शुड बी रन इन साउंड प्रूफ रूम्स इन फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्रीज में जो नॉइजी मशीन्स होती हैं मतलब जिससे ज़्यादा आवाज़ होती है और नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है, हमें ऐसी मशीन्स यूज़ करनी चाहिए जो साउंड प्रूफ हों, रूम्स में जितने भी फैक्ट्रीज हैं उसके रूम जो है साउंड प्रूफ हों, जिससे क्या हो कि जो आवाज़ है वो ज़्यादा दूर तक ना जाए। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम दैट डिस्टर्ब नेबर्स, वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स दैट डिस्टर्ब नेबर्स, हमें लाउड स्पीकर्स और म्यूज़िक सिस्टम अवॉइड करने चाहिए जो कि नेबर्स को डिस्टर्ब करें, ठीक है, फिर वो शिकायत करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करो प्लीज़, है ना, उनको हार्मफुल होगा। रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, 3 R's हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग द 3 R's ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। अब देखो हम अपने इन्वायरमेंट को रेगुलरली अगर प्रैक्टिस करें इन 3 R's की, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, तो हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस, वी शुड ओनली बाय वॉट वी रियली नीड, हमें वो ही चीज़ खरीदनी चाहिए जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी, ठीक है, वो ही चीज़ खरीदो, एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी चाहिए। वी शुड कैरी आर ओन क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स इन न्यू प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द मार्केट, अब देखो आप शॉपिंग करने जाते हो, सब्जियाँ खरीदने जाओ, तो आपको अपना खुद का बैग लेके जाना चाहिए, क्लॉथ बैग, कपड़े का थैला, ठीक है, ना कि प्लास्टिक बैग्स यूज़ करो। वी शुड यूज़ प्लेट्स स्पूंस एंड ग्लासेस मेड ऑफ मेटल सेरेमिक और ग्लास इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल प्लेट्स स्पूंस एंड ग्लासेस, देखो हमें क्या, हमें घरों में प्लेट्स स्पूंस और ग्लासेस जो हैं मेटल के, सेरेमिक के और कांच के यूज़ करने चाहिए। मेटल जो आप नॉर्मल आपके घरों में होते हैं स्टील के बर्तन, वो सेरेमिक होता है एक तरह का प्लास्टिक टाइप होता है, वो टूटता नहीं है, उस टाइप के बर्तन ले सकते हैं हम, और कांच के बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल, जो डिस्पोजल के आते हैं ना कागज़ जैसे होते हैं वो हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, प्लेट्स और स्पूंस ग्लासेस। साइंस फैक्ट है, आप देखो, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक और पॉलिथिन बैग्स, इंस्टेड यूज़ जूट और क्लोथ्स बैग फॉर शॉपिंग, से नो टू प्लास्टिक। अब देखो हमें क्या प्लास्टिक बैग्स या फिर पॉलिथीन बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं, हमें जूट का या फिर क्लोथ बैग यूज़ करना चाहिए फॉर शॉपिंग, हमें बोलना चाहिए से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को मना करो कि नहीं हम प्लास्टिक नहीं लेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। ये तो था रिड्यूस का, अब है रीयूज़।
वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू यूज़ थिंग्स बिफोर थ्रोइंग दम अवे. अब हमें नए नए तरीके से जो भी आपका घर का वेस्ट है उनको फेंकने के लिए नया नया तरीका भेजना चाहिए, देखना चाहिए. पैकेज बॉक्सेस एंड गिफ्ट रैपर कैन बी रीयूज्ड. अब जितने भी गिफ्ट रैपर्स होते हैं, पैकेज बॉक्सेस होते हैं, उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम, है ना. ओल्ड बुक्स, टॉयज एंड क्लोथ्स कैन बी गिवन टू समवन हु कुड यूज़ देम अगेन. अब पुरानी किताबें, पुराने टॉयज, कपड़े, वो हम उन लोगों को दें जिनको ज़रूरत है, जो दोबारा यूज़ कर सकते हैं अगर हमें यूज़ नहीं करनी है तो. वी शुड स्टोर फूड इन रीयूजेबल कंटेनर्स. अब हमें अपना जो खाना है वो ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो हम दोबारा भी यूज़ कर सकें, ठीक है, जिसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकें. ये तो था रीयूज़ का. अब आता है रीसाइकल. रीसाइकल, वी शुड सॉर्ट ड्राई वेस्ट इंटू सेपरेट ग्रुप्स सच एज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स. हमें ड्राई वेस्ट जो है, जो सूखा वेस्ट है, उसका अलग ग्रुप बनाना चाहिए, जैसे पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, इन वेस्ट का अलग ग्रुप बनाना चाहिए. देन वी शुड सेंड दीज थिंग्स टू रिसाइकलिंग प्लांट्स फॉर मेकिंग न्यू यूजफुल थिंग्स. फिर हम क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग प्लांट पे ये भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा, नई नई चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है. अब साइंस फैक्ट पढ़ते हैं. यू माइट हैव सीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस. द ग्रीन कंटेनर इज़ फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेयर एज द ब्लू वन इज़ फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन टू द राइट कंटेनर. अब देखो, आपने ये दो कंटेनर्स देखे होंगे पार्क में, पब्लिक प्लेसेस पे देखे ही होंगे सब में. ब्लू कलर का है जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें हम डालते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल ग्रीन कलर का है. बायोडिग्रेडेबल कौन से वेस्ट आते हैं, जो कि डीकम्पोज हो जाते हैं, वो हम ब्लू कलर में डालेंगे, ठीक है. और ग्रीन कलर में वो वेस्ट डालेंगे जो कि डिकम्पोज नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ें. और बायोडिग्रेडेबल में कौन से डालोगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, मेड पेपर, जितने भी पेपर से प्रोडक्ट बने हैं, जितने भी वुड के प्रोडक्ट बने हैं, वो हम इसमें पुट करेंगे, डालेंगे. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी टर्न इन टू मैन्योर. दिस मैन्योर कैन बी एडेड टू द सॉइल टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो बेटर. अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डीकम्पोज हो जाता है, आपको पता ही है, मैंने बताया था. डीकम्पोज हो जाने के बाद वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो आपकी क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो करती है. हेल्प करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्रॉप को ग्रो करने में. ओके, वी शुड बाय थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर्स. अब हमें वो ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो रिसाइकलिंग हो के हमारे पास आए, ठीक है. इसी इन 3 आर्स को अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारा क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं फैलेंगी, ठीक है. ये स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू ए बी सी क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक विद द यूज ऑफ पेंसिल ओनली. ओके, एंड लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर डी, यू हैव टू डू इट योर इन योर नोटबुक ओनली. ओके, दैट्स ऑल, दैट्स द चैप्टर एंडिंग. इट्स इफ एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज यू कैन आस्क इन ग्रुप. I will help you. Thank you for the time. Thank you so much. Have a nice day.